ट्रांसफर ऑफ इंडिया महाराष्ट्र सरकार में शामिल होने के लिए शिवसेना रविवार को फैसला ले सकती है। उद्धव ठाकरे 9 नवंबर को अपने सारे विधायकों से बातचीत करेंगे, इसके बाद बीजेपी के साथ सरकार में शामिल होने पर फैसला हो सकता है। बीजेपी सरकार में शामिल होने पर अंतिम फैसला करने के लिए उद्धव ठाकरे ने 9 नवंबर को विधायकों की बैठक बुलाई है। इस बारे में इंडिया न्यूज ने शिवसेना नेता नीलम गोरे से बात की। सीधी सी बात है कि 9 तारीख को मीटिंग होगी विधायकों की और शिवसेना पक्ष प्रमुख सबको मार्गदर्शन करेंगे। इसके पहले बाला साहब जी ठाकरे मार्गदर्शन करते थे, विधायकों को बताते थे। जैसे 2003 में उद्धव साहब ठाकरे, उन्होंने बागडोर संभाली है तो वो मार्गदर्शन करते हैं आगे किस तरीके से राजनीति में काम होगा। जिन लोगों ने हमें चुन के दिया है, मुंबई में काफी अच्छे रिजल्ट आए हैं हम लोग के, उसी तरीके से बाकी भी महाराष्ट्र में, आज कोल्हापुर में 6 विधायक चुन के आए, पुणे में 2 चुन के आए, हर जगह पे मराठवाड़ा में चुन के आए। तो इसीलिए हमारी अपेक्षा है कि वो विधायक अपनी जनता को इंसाफ देने के लिए किस तरीके से काम करेंगे, वो मार्गदर्शन होगा। लेकिन जो वहां पर चल रही स्थिति की सरकार में शामिल होना है नहीं होना, क्या है आखिरकार फाइनल डिसीजन, क्या है शिवसेना का फाइनल डिसीजन, उद्धव साहब आपको स्पष्ट करेंगे। इसके बारे में मैं और कुछ ज्यादा नहीं कह सकता। शिवसेना की ओर से अंतिम फैसला उद्धव लेंगे तो बीजेपी की तरफ से भी गठबंधन पर मुहर दिल्ली में बैठे नेता लगाएंगे। ये बात खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं। देखिए, शिवसेना के साथ हमारे जो दिल्ली के नेता है उनके बहुत सकारात्मक चर्चा चल रही है, मुझे अपेक्षा है कि सब ठीक होगा। सीधे रुख करेंगे मुंबई का अभिषेक शर्मा, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। अभिषेक, किन शर्तों पर सहमत हो रही है शिवसेना? देखिए, लगातार नए नए समीकरण बनते जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से आज देखिए पीएमओ ऑफिस से बकायदा उद्धव ठाकरे को फोन आता है कि जब रविवार को जब मंत्रिमंडल का विस्तार केंद्र में हो रहा है उसके लिए एक नाम दिया जाए मंत्री बनाने के लिए, तो जाहिर सी बात है शिवसेना का रुख कहीं ना कहीं अब लचीला हो गया। जिस तरह से वह अड़ी हुई थी कि 1995 के फार्मूले को लेकर लगातार वरट लगाई हुई थी, 1995 का फार्मूला ही चाहिए यानी डीसीएम का पोस्ट शिवसेना को महाराष्ट्र में चाहिए, कहीं ना कहीं अब यह लग रहा है कि जो केंद्र में अगर शिवसेना की तरफ से कोई अगर मंत्री बनता है तो महाराष्ट्र में भी जो इनकी तमाम मांगे हैं वह कम होंगी और इसीलिए जो मंत्रिमंडल है, जो मंत्रालय दिया जाएगा महाराष्ट्र में वह उसके बाद शिवसेना जरूर तैयार हो जाएगी। यानी हम साफ समझ सकते हैं कि 9 तारीख को मुंबई में जो शिवसेना की बैठक होने वाली, 4 बजे खुद उद्धव ठाकरे लेंगे, उसमें पूरी की पूरी स्थिति साफ हो जाएगी कि उद्धव ठाकरे का अंतिम फैसला क्या होगा, किस तरह से किन शर्तों पर वह बीजेपी को सपोर्ट करेंगे और कौन आखिरकार वह सेंट्रल में यानी जो रविवार को शपथ होने जा रही है मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है दिल्ली में, कौन उसमें मंत्री बनने जा रहा है। लेकिन जो नाम चल रहा है, सबसे पहला नाम चल रहा है अनिल देसाई का। अनिल देसाई दिल्ली में जो मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है, अनिल देसाई शिवसेना तरफ से पहला नाम लिया जा रहा है। चलिए, कुल मिलाकर शिवसेना और बीजेपी में स्थिति अब सामान्य हो गई है। हमारे साथ बने रहेंगे अभिषेक। इसी के साथ